अगर आपको प्रॉपर बटर चिकन का टेस्ट लेना है ना भाई, ये पनीर मखनी करके ब्लैक पेपर में मिलेगा आपको, इसको ज़रूर टेस्ट करना भाई, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है इसका। क्या लाजवाब लग रहा है भाई ये दिखने में। यह है पेपी पनीर पिज्ज़ा विद न्यू हॉट एंड फेरी चीज़ बस बेस। यह है डबल चीज़ मार्गरिटा विद कोरियन स्वीट चिली चीज़ बस बेस। पनीर का पीस रखते हैं इस पे, ये देखिए ऐसा कुछ लग रहा है। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अपने डोमिनोज ने ना 3 नए चीज़ बस पिज़्ज़ा लॉन्च किए हैं, तो मैंने तीनों ही ऑर्डर कर लिया। ऊपर से भाई वेज मुकबैंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो आज का पूरा वीडियो वेज रहने वाला है। और भी चीज़ें मंगाई हैं, बताता हूँ क्या क्या मंगाई है। तो लेते हैं खाने के मज़े विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भाई अपनी कोक के साथ। चीयर्स। तो भाई ये तीनों ही पिज्जा ना डोमिनोज के नए चीज बस के साथ हैं, तो सबसे पहले वाला ट्राई करते हैं। यह है डबल चीज़ मार्गरिटा विद कोरियन स्वीट चिली चीज़ बस बेस। कुछ नया है भाई, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ये देखिए स्वीट चिली की स्टफिंग दिख रही होगी आपको अंदर। रिव्यू तीनों को टेस्ट करने के बाद बताऊंगा कौन सा कैसा। सेकंड टेस्ट करते हैं। यह है पेपी पनीर पिज्जा विद न्यू हॉट एंड फेरी चीज बस बेस। देखते हैं भाई ये कितना डिफरेंट है। लास्ट वाला भी ट्राई करते हैं। यह है फार्म हाउस पिज्जा विद न्यू क्रीमी मखनी चीज बस बेस। देखते हैं भाई वाला। आप खाते खाते बताता हूँ, ये वाला जो है ये नॉर्मल चीज़ बस बेस की तरह ही है जैसा हम पहले खाया करते थे। सेम वही। मज़ेदार हॉट एंड फेरी चीज़ बस बेस। ये देखिए ये ना थोड़ा चटपटा किस्म का पिज़्ज़ा है, इसे खा के ना आपको मतलब प्रॉपर स्पाइसी वाला फील आएगा। अगर चटपटा पिज़्ज़ा पसंद है तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफी फ्लेवर चेंज किया इस वाले ने। कोरियन स्वीट चिली। मजा नहीं आया भाई इसमें ना, मतलब वही हल्का सा स्वीट हल्का सा स्पाइसी स्पाइसी सा फ्लेवर आ रहा है। मतलब चीज बस वाला जो फील होता था ना वो खत्म कर दिया इसने, वो ओवर पावर कर रहा है टेस्ट को मेरे हिसाब से। पहले मैं मार्गरिटा में क्रीमी वाला मंगा रहा था, मैंने कहा भाई मार्गरिटा को भी देखना चाहिए कि कैसा लगता है और बेसिस के साथ, नॉर्मल वाले चीज़ बस बेस के साथ ही भाई ओजी है ये।
गाइस अगर इन तीनों नए बेस की रैंकिंग की बात करूँ ना, तो सबसे पहले भाई वो क्रीमी मखनी, सेकंड नंबर पे हॉट एंड फेरी, और थर्ड नंबर पे भाई कोरियन। मज़ा नहीं आया भाई कोरियन वाले में। तो भाई आप लोग भी ये पिज़्ज़ा एक बार मंगा के टेस्ट करना और अपनी रैंकिंग भी कॉमेंट में डाल देना। तो अब बढ़ते हैं भाई नॉर्थ इंडियन मेन्यू की तरफ। यहाँ पर है पनीर मखनी और ये है तंदूरी स्टफ्ड मशरूम। ये दोनों ही आइटम्स ना मैंने ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट से मंगा रखा है, तो इनसे एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा हाई है मेरी, तो ट्राई करते हैं। इस तरीके का है भाई ये तंदूरी स्टफ्ड मशरूम, ग्रीन चटनी में डिप करते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। पनीर टिक्के के कंपेयर में ना भाई काफ़ी बढ़िया लगता है यार मेरे को। चटनी में भी डिप कर ही लेते हैं। ये देखो भाई अल्टीमेट बाइट तैयार हो चुकी है अपनी। मज़ेदार भाई। अब बनाते हैं बड़ी बाइट। तंदूरी स्टफ्ड मशरूम लच्छे वाले प्याज के साथ अच्छा सा डिप देते हैं। ओ भाई साहब क्या लाजवाब लग रहा है भाई ये दिखने में। बड़ी वाइट होने वाली है। मज़ा आ गया भाई अल्टीमेट। सो गाइस शाउटआउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था आर्यन सत्यम का, बाकी जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। गाइस ये देखिए ये है ब्लैक पेपर का बटर नान भाई, और साइज़ देखो इसका, और अभी तक बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखो भाई इसके लच्छे पूरे अलग हो रहे हैं। तो अब ट्राई करते हैं पनीर मखनी। ये देखो भाई पनीर मखनी की सेम बटर चिकन जैसी ग्रेवी है। नान बहुत सॉफ्ट हो रहा है भाई। बड़ी वाइट लेते हैं। ये देखो भाई कितनी सॉफ्ट है यार ये, उसके लच्छे लच्छे अलग हो रहे हैं। और गाइज अगर आपको प्रॉपर बटर चिकन का टेस्ट लेना है ना भाई, ये पनीर मखनी करके ब्लैक पेपर में मिलेगा आपको, इसको ज़रूर टेस्ट करना भाई, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है इसका। सेम बटर चिकन की ग्रेवी वाला टेस्ट है भाई। पनीर का पीस के साथ ट्राई करते हैं। इससे बेस्ट पनीर नहीं खाया भाई मैंने। पिछली बार ना मैंने इनका बटर पनीर मसाला मंगाया था और मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो ऐसा आएगा, बट भाई एक नंबर है। पनीर के बड़े पीस के साथ लेते हैं भाई अब एक बड़ी सी बाइट। ये देखिए भाई ऐसा कुछ है ये, और सेम बटर चिकन जैसा लग रहा है भाई ये। दिल खुश हो गया भाई ये चीज़ मंगा के आज। आप लोगों को बटर चिकन और पिज़्ज़ा वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करना था ना, तो भाई इन दोनों को ट्राई करना, हम भी करते हैं। एक पनीर का पीस रखते हैं इस पर। ओए हाय थोड़ा ग्रेवी में डिप करते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा विद पनीर मखनी। जन्नत भाई जन्नत। The best. मज़ेदार भाई। पेपी पनीर पिज़्ज़ा के साथ खाएंगे अब। पूरा पनीर का पीस रखते हैं इस पर। हाय 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 थोड़ी सी ग्रेवी। ये देखिए ऐसा कुछ लग रहा है। मस्त अल्टीमेट कॉम्बिनेशन भाई। मैंने ना अपनी वीडियो में कहा था जो फील भाई बटर चिकन के साथ आया ना, वो फील बटर पनीर के साथ नहीं आया।
सेम बटर चिकन वाला फील दे रहा है भाई। स्वीट चिली वाले के साथ भी ट्राई कर ही लेते हैं भाई। ये है मार्गरेटा पिज़्ज़ा, पनीर का स्लाइस। ये देखो भाई ऐसा कुछ लग रहा है। करते हैं ग्रेवी में डिप। इस वाले में उतना मज़ा नहीं आ रहा, वो ही स्वीट चिली ओवर पावर कर रहा है। स्वीट चिली सॉस ना भाई बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है टेस्ट को। अब मशरूम्स की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेवी के साथ ट्राई करें क्या। ये देखिए दो मशरूम्स के बीच में स्टफिंग कर रखी है, इसको मशरूम पिज़्ज़ा बना दिया भाई। मर्ज हो गया है तो टेस्ट। पैपी पनीर में रखते हैं, तंदूरी मशरूम पैपी पनीर पिज़्ज़ा। अनिका को मशरूम्स बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, ये वाले। आज बहुत कंफ्यूजन चल रही थी दिन में कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, बट ये वाला मेन्यू ना भाई बेस्ट डिसीजन था मेरा। पिज़्ज़ा निपटाते हैं, लास्ट में पनीर खाएंगे। मस्त पनीर मखनी थी भैया ने कहे, बिल्कुल बटर चिकन जैसी। अनिका ना अभी आई है थोड़ी देर पहले, पहले कैमरामैन कोई और था तो इसे पता नहीं चला। क्या हुआ? नहीं, क्यों तो मैं मशरूम खाते हैं, मेरे को मन नहीं था मशरूम। लगा दी नजर। नान अभी तक सॉफ्ट हो रही भाई, बेस्ट नान है, महंगी भले ही है, 120 रुपए की कुछ की है, बट बेस्ट है भाई। सो गाइस अगर आप लोग भी देहरादून से हो तो भाई ये पनीर मखनी ज़रूर ट्राई कर लेना, बहुत अल्टीमेट टेस्ट है इसका। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।